पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हिंदू युवा वाहिनी जिला मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पुलवामा के पास हुए आतंकी हमले में भारत के वीर शहीदों के सम्मान में एक दिन भारत बंद के लिए सभी मुरादाबाद के दुकानदारों से दुकान बंद का आग्रह किया था और दुकानें बंद कराई। मौके पर उपस्थित जिला संयोजक अंकित शर्मा ने कहा कि देश के शहीद जवानों को देश हमेशा याद रखेगा, उनका कर्जदार रहेगा। वो सभी शहीद भारत माँ की सेवा करते हुए अमर हुए हैं, उनके इस बलिदान को देश के नागरिक कभी नहीं भूल पाएंगे। ब्लॉक मीडिया प्रभारी तुषार रस्तोगी ने कहा कि पुलवामा में हुए आतंकी हमला अत्यंत निंदनीय है और उस हमले में शहीद हुए भारत माँ के वीर जवानों को देश हमेशा याद रखेगा। भारत बंद के चलते हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने लाइन पार मझूला सूर्यनगर कपूर कंपनी ताड़ीखाना बुध बाजार में खुल रही सभी दुकानों को बंद कराया और अंत में पाकिस्तान का पुतला बुध बाजार में दहन किया। मौके पर जिला संयोजक अंकित शर्मा, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र भारती, जिला उपाध्यक्ष रविंदर सिंह, जिला मंत्री दिलीप शुक्ला, ब्लॉक मीडिया प्रभारी तुषार रस्तोगी, ब्लॉक सह मीडिया प्रभारी दिव्यांशु आर्य, बॉबी सिंह के साथ और भी लोग मौजूद रहे। भारत बंद जो हुआ है ये हमने मुरादाबाद बंद किया है। ये शहीद जो हमारे शहीद हुए, पाकिस्तान ने जो एक घिनौनी हरकत की है इसके विरोध में समस्त हिंदू युवा वाहिनी ने आज मुरादाबाद में दुकानें सारी बंद कराने का काम किया है। पुतला हमने पाकिस्तान का और आतंकवाद का पुतला फूका और सरकार से हम ये अनुरोध है और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द वो पाकिस्तान से बदला लें। कुछ दुकानदार खोल के बैठे, कुछ दुकानदार जो लोग खोल कर बैठे हैं, हमने सभी से अनुरोध किया। इसमें हमने जो ये पुतला दहन किया है हमारी हिंदू युवा वाहिनी ने, आज जो हमारे जो शहीद अभी शहीद हुए हैं, जो पाकिस्तान ने बहुत ही घिनौनी और गंदी हरकत की है उसके विरोध में आज हमने ये मुरादाबाद का सारा बाजार बंद कराया है।